उत्तराखंड में प्रदेश की राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा में ही शीतकालीन सत्र का मंगलवार से आगाज होने जा रहा है, मगर इसकी शुरुआत से पूर्व सत्ता दल और विपक्षी दिग्गजों के विधायकों और मंत्रियों की अलग अलग मांगों के बीच ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही इसके आयोजन को लेकर असमंजस कायम था। तो वहीं इसी दौरान खानपुर विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा ने आगामी विधानसभा सत्र को अस्थाई और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय उसे प्रदेश की राजधानी देहरादून में ही आयोजित किए जाने की मांग उठाई थी, जिसकी स्वीकारिता के बाद खानपुर विधायक द्वारा मुख्यमंत्री और सरकार का आभार भी जताया गया है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी के लिए। मैंने मुख्यमंत्री को लिखकर पत्र ये कहा था कि जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है तो ग्रीष्मकालीन में ही सत्र होना चाहिए। आप जो सत्र वहां होना चाहिए जिसका औचित्य है वो वहां कर नहीं रहे, जो सत्र वहां नहीं होना चाहिए जो यहाँ होना चाहिए उसको वहां करना चाहते हैं। तो इस बात का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उसके बाद मेरे पत्र के बाद पूरी सभी विधायकों से उनकी राय मांगी गई। सभी विधायकों ने कहा कि वो मेरे मत से सहमत हैं और इस बात को लेकर सबने सहमति जताई और सत्र होने जा रहा है देहरादून में।